सिद्धार्थनगर जिले में बुधवार की शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई राहुल वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा आज कर दिया है। 24 घंटे के अंदर इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। पकड़े गए अभियुक्तों में सागर यादव, अंकित यादव, मोनू यादव, सजीवन यादव और राजन यादव हैं, जो जिला मुख्यालय के रामनगर के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार विसर्जन के दिन शराब पीकर ये लोग डांस कर रहे थे, तभी मृतक राहुल वर्मा से अभियुक्त मोनू यादव से आपसी कहासुनी को लेकर हाथापाई हो गई। शराब के नशे में चूर मोनू यादव के दोस्त सागर यादव ने मृतक राहुल के पेट में चाकू मार दिया। इलाज के लिए राहुल को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। 26/27 की रात्रि को लगभग 1 बजे थाना सिद्धार्थनगर में जब रात्रि में मूर्ति विसर्जन चल रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति राहुल वर्मा सनम सुरेश वर्मा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मार दिया गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में तत्काल मुकदमा थाना सिद्धार्थनगर पर पंजीकृत किया गया और इसमें थाना सिद्धार्थनगर और SOG सर्विलांस टीम ने सफलतापूर्वक काम करते हुए 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सागर यादव, ये लोग जब DJ बज रहा था तो उसमें डांस कर रहे थे और इसमें जो मृतक है राहुल वर्मा, इससे DJ बजाने को लेकर वाद विवाद हो गया और इसमें सागर यादव द्वारा इसके पेट में चाकू मार दिया गया। जो चाकू था उसी वहीं इसके पेट में ही छोड़ के वो भाग गया था, जिसे इलाज के दौरान डॉक्टर्स द्वारा भी प्राप्त किया गया। इसमें जो अन्य अभियुक्त है अंकित यादव, मोनू यादव, सजीवन यादव और राजन यादव, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। ये समय मौके पे मौजूद थे और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सागर यादव, इसको भगाने के लिए सहयोग कर रहे थे। इसको आज टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इन सभी को जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों ने शराब पी हुई थी और ये शराब पीकर उसमें समय डांस कर रहे थे, जिसके विपक्षी से इन्होंने वाद विवाद किया, उसके चलते इन्होंने चाकू मार दिया और ये घटना घटित की गई। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।